धर्म की नगरी काशी, जिसकी पहचान धर्म, संस्कृति, कला और यदि इसके साथ की बात करें तो जायकों से भी होती है। जहाँ बनारस में शिव प्रसिद्ध हैं, गंगा प्रसिद्ध है, गंगा आरती प्रसिद्ध है, तो वहीं बनारस की सुबह, या यूँ कह लें कि सुबह के स्वाद के जो नज़ारे होते हैं, अद्भुत स्वाद के नज़ारे, वो भी अपने आप में कम खास नहीं होता है। बात आगे बढ़ाएं, बात आगे करें, उसके पहले एक निवेदन कि यदि अभी तक आपने स्वाद बनारसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें, क्योंकि स्वाद बनारसी आपके लिए लाया है बनारस के उन गलियों से उन स्वाद को, जिनको न केवल आपको जानना चाहिए बल्कि उसके स्वाद को आपको परखना भी चाहिए। तो यदि आपको हमारा वीडियो, हमारा ये संदेश अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ और जानें बनारस के अलग अलग रंग को, अलग अलग स्वाद को, अलग अलग विधा को। अमूमन बनारस सुबह के लिए जाना जाता है, जलेबी कचौड़ी की सौंधी खुशबू, तो वहीं जलेबी की मिठास। लेकिन यदि उलट इसके बात की जाए तो बनारस बदलते संस्कृति की परिचायक हो रही है। इन दिनों बनारस शाम भी गुलजार हो रहे हैं। इन शाम की खासियत दो होती है, लोग कहीं घूमने जाते हैं तो वहीं दूसरी ओर यदि देखा जाए तो जो खास करके युवा वर्ग है वो स्वाद ढूंढते नज़र आते हैं। बनारस में ढेरों ऐसे इलाके इस वक्त डेवलप हुए हैं जहाँ पे शाम होने के साथ स्वाद के नए नए व्यंजन की खुशबुओं हवा में बिखेरने लगती हैं और उसकी सौंधी खुशबू, उसके चटपटे स्वाद न केवल आपको आकर्षित करते हैं बल्कि आप आने के लिए भी सोचते हैं। ऐसे ही एक दुकान 80 के गोयनका गली के मोड़ पे है। स्वाद तो इनकी बनारस की नहीं है, स्वाद इनकी दिल्ली की है, लेकिन नाम ठेठ बनारसी है। निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि नाम इनके दुकान का है चाँप के। अमूमन हम बनारस में चाँप के तब बोलते हैं जब हमें कोई स्वाद बहुत अच्छा लगता है और बनारसी अंदाज में हम ये साबित करना चाहते हैं कि गुरु चाँप के खाला का गुरु चाँप ही रहा। तो निश्चित तौर पे चाँप के इनकी दुकान का नाम है। कंसेप्ट पूरी तरीके से दिल्ली का है। ये चाप बनाते हैं और चाप जो होती है वो पूरी तरीके से वेजिटेरियन है। समझा जा सकता है कि अलग अलग ढंग से ये परोसते हैं। कबाब है, अमेरिकन चाप है, कई वेराइटियाँ हैं। क्या वेराइटी है हम बाद में बताते हैं, लेकिन आइए हम सुनते हैं एक इनके कस्टमर को, एक इनके उस स्वाद को सराहने वाले को कि क्या कहते हैं इनके। बहुत बहुत इनोवेटिव नाम है, चाप बेच रहे हैं, नाम चाप के है, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल नाम है कि चाप के, ठीक है। सो नाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पंचलाइन नाम ही तो पंचलाइन है इनकी, चाप के खाओ, मतलब इट्स देयर, बहुत अच्छा नाम है, मतलब पंचलाइन नाम सब कुछ बहुत अच्छा लगा मेरे। नहीं तो हुआ ये कि इनका नाम है ना चाप के, तो हमें समझ में आ गया कि चाप से रिलेटेड कुछ क्रिएटिव नाम होगा। तो हम जा रहे थे यहाँ से, हम वापस आए देखने के लिए कि अगर इन्होंने अच्छा चाप खिला दिया तो ये इतिहास रच देंगे बनारस में, बिकॉज़ बनारस में कहीं कहीं पे भी अच्छा चाप नहीं मिलता है। आप क्या कहोगे? मैं नाम क्या वही खाएंगे। क्या होना चाहिए? थोड़ा सा मसाले होने चाहिए, थोड़ा ग्रेवी होनी चाहिए, थोड़ा मतलब पूरा एक से टेक्सचर आना चाहिए कुछ, मतलब जो भी खाया जाए वो मजे मजा आ जाए। हाँ, लगता है कि आज मजा आना है। देखते हैं। ये वो थे जिन्होंने इनके स्वाद को न केवल बखाना सराहा बल्कि जो स्वाद का जायका था उससे रूबरू कराए। बात बढ़ाएं उससे पहले एक और बनारसी से बात कर लेते हैं। आइए इनको भी सुनते हैं कि आखिर ये क्या कहते हैं इस स्वाद को। नहीं भैया देखिए, जो आइटम बनारस के लिए नया, बनारस के जो व्यंजन उसमें कोई कमियां नहीं है, लेकिन हम लोग खोजते हैं कि भाई कुछ अच्छा व्यंजन मिले। हम लोग को भी समाचार या टीवी न्यूज़ भी देखते हैं कि भाई लखनऊ का व्यंजन, दिल्ली का व्यंजन, तो मन में उत्साह होती है कभी चला जाए। हाँ, तो कभी चला जाए, लेकिन अब वह व्यंजन हमारे बनारस में अवेलेबल, तो बड़ी खुशी मिली। और आज हम लोग जो व्यंजन चखा गया, खाया गया,
अगर स्वाद मिला एक नया आइटम, नहीं कह सकते हम लोग यहाँ वो चीज़ यहाँ मिलेगा, लेकिन कल्पना साकार हुआ कि वो चीज़ यहाँ मिला। निश्चित तौर पे बनारसियों की एक अपनी अदा होती है, अपना एक लहजा होता है और बात रखने का एक अपना स्टाइल होता है। समझा जा सकता है कि ये बनारसी हैं, इनकी अदा जो भी हो, लेकिन चाप के दुकान की यदि बात करें, जो इनके ऑनर हैं उनकी बात करें, ये बेसिकली दिल्ली के हैं। और दिल्ली से आने के बाद कैसे इनके जेहन में ये बात आई कि यहाँ पे स्वाद का एक काउंटर खोला जाए, लोगों को स्वाद परोसा जाए, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है और ये किस तरह से इस दुकान को शुरू किए और इस स्वाद को हम तक, या ये कहा जाए कि बनारसियों तक लेके आए। एक्चुअली हम लोग अक्टूबर में यहाँ पर आए थे, तो हम लोगों ने ऑनलाइन सर्च किया था जोमेटो और स्विगी पे तंदूरी चाप खाने का सोचा था, तो हम लोग को कहीं ऐसा दिखा नहीं यहाँ पे, एक दो जगह है यहाँ पर वो ऑलरेडी क्लोज हो चुके थे, तो वहीं से हम लोग के दिमाग में आया था कि ये यहाँ पर कहीं पे भी पूरे बनारस में है नहीं तंदूरी चाप, तो क्यों ना इसको हम लोग यहाँ पे ही खोलते हैं, इस स्वाद को बनारसियों को खिलाते हैं। बस यही सोच के यहाँ पे आज हम लोगों ने खोल लिया है। ये विशाल सिंह है, विशाल सिंह भी इस दुकान के एक पार्ट हैं। इनका यदि माना जाए, ये क्या कह रहे हैं ये बाद में हम बताते हैं, लेकिन हम कहते चलें एक बार फिर से कि ये वो स्वाद है जो अमूमन बड़े शहरों में मिलते हैं। बनारस के अलग स्वाद होते हैं, लेकिन बदलते परिवेश में, बदलते दौर में अब कोई भी चीज़ दूर नहीं है। जो स्वाद दिल्ली में मिलती है, जो स्वाद बेंगलोर में मिलते हैं, या फिर जो बड़े बड़े स्टोर्स पे मिलते हैं, वो अब बनारस में मिलते हैं, सुलभ मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं। हाँ, इनका यदि माना जाए, इनका यदि सुना जाए, तो इनका ये कहना है कि थोड़ा सा इस स्वाद में ज़रूर इन्होंने अल्टर किया है, क्योंकि बनारस को थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा चटपटा, स्पाइसी पसंद है। आइए विशाल सिंह को सुनते हैं कि विशाल सिंह क्या कहते हैं। हमारे पास तंदूरी मोमोस, तंदूरी सोया चाप और फिर उसके अलग अलग फ्लेवर्स हम लेके आए हैं बनारस में पहली बार। तो अमेरिकन तंदूरी मोमोस हैं और चाइनीज़ तंदूरी मोमोस हैं और हमारे पास सेम वैरायटी के सोया चाप भी हैं, चाइनीज़ अमेरिकन सोया चाप है। और हमारे फ्लेवर्ड मिल्क्स हैं जो कि अब पूरे इंडिया में मिल्क शेक्स बहुत फेमस हैं, पर हम लोगों के मिल्क शेक्स नहीं है, हम लोगों के अभी हम लोगों ने मिल्क इंट्रोड्यूस किया है विच इज़ 500 ml, सो हाफ लीटर मिल्क है और सिर्फ 45 rupees का है, तो इतनी प्राइसिंग पे भी बहुत ध्यान रखा है। बेवरेजेस हैं बहुत सारे जो समर्स में मतलब बहुत पीने में मज़ा आएगा, रिफ्रेशिंग है, तो उनको हमने रखा है पॉप नाम रखा है, POP पॉप, तो मसाला पॉप है, डिस्को पॉप है, जिंजर पॉप है और सब चीज़, सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चाप के खाई जा सकती हैं और चाप के पी जा सकती हैं, तो क्वांटिटी सबकी चाप के है अभी तीन और टेस्ट सबका। नाम का ऐसा है कि हम लोग बनारस में आए तो बनारसी भाषा कुछ ऐसी है कि बिल्कुल दिल में चढ़ जाती है, जुबान पे आ जाती है और यहाँ पे सब लोग बोलते हैं चाप के और हमने जब तंदूरी सोया चाप बनाने का सोचा तो एकदम से दिमाग में बात आई कि चाप के क्यों ना नाम रखा जाए और खाओ चपक के, ये टैग लाइन रखी कि आप चपक के खाएं, चाप के खाएं। तमाम स्वाद, तमाम खासियत, तमाम बातों के साथ लगातार स्वाद बनारसी आपके साथ है। प्रयास ये होता है स्वाद बनारसी का कि आपको एक नए डिश से, एक नए स्वाद से, एक नए अंदाज से आपको मिलाया जाए। ये प्रयास आपको कैसा लगता है ज़रूर आप कमेंट में लिखें। और एक निवेदन फिर से एक बार कि यदि आपको बनारस के विभिन्न जायकों का स्वाद चाहिए तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए स्वाद बनारसी के संग।